900 साल बाद होगा महाग्रहण। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताएं बहनें विशेष रूप से सावधानी रखें। जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर किसी पर होता है तो वो गर्भवती माताओं बहनों पर होता है। इसलिए ग्रहण से गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मनुष्य के ऊपर अवश्य ही होता है। इसलिए जब जब भी आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में कोई भी घटनाक्रम घटित होता है, उसका प्रभाव मानव के ऊपर, मनुष्य के ऊपर तथा प्रत्येक जीव जंतुओं के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर भी दिखाई देता है। इस बार 900 साल के बाद में महाग्रहण होने जा रहा है और यह ग्रहण भारत के कई राज्यों व इंग्लैंड, डेनमार्क, श्रीलंका, सीरिया, नेपाल, पोलैंड, फिलीपींस व पूर्वी प्रांत में घटित होगा तथा पशुओं में बीमारी आएगी, झगड़े होंगे, प्रत्येक प्रकार के अन्न में मंदी आएगी, तूफान आएंगे, अच्छी वर्षा होगी, सरसों का उत्पादन, अलसी का उत्पादन, गुड़ का उत्पादन अच्छा होगा, शकर, सोना, चांदी, शेयर बाजार में तेजी आएगी, घी, रुई, मसूर, खांड, वेजिटेबल, रस पदार्थ तेज होंगे, सूत में तेजी होगी। यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि में घटित हो रहा है। इससे इस नक्षत्र एवं इस राशि वालों को रोग, कष्ट, पीड़ा आदि फल प्राप्त होंगे। जिन राशि वालों को ग्रहण अशुभ फल कारक है, उनको इस ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, यानी यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ये जो महाग्रहण होने जा रहा है वो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी शरद पूर्णिमा के दिन घटित होगा। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को यह खंड ग्रास चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय से विरल छाया में प्रवेश रात्रि 11:32 से ग्रहण का स्पर्श होगा तथा पूर्ण रूप से इसका स्पर्श मध्य रात्रि 1:05 पर होगा, यानी 28 और 29 अक्टूबर की रात्रि 1:05 पर ग्रहण स्पर्श करेगा और इस ग्रहण का मध्यकाल मध्य रात्रि 1:44 पर होगा तथा इस ग्रहण का मोक्ष काल 2:23 पर होगा एवं विरल छाया निर्गम गति से यह पूर्णतः 3:56 पर ही समाप्त होगा। इस ग्रहण का सूतक लगभग 9 घंटे पहले यानी भारतीय समय के अनुसार 28 अक्टूबर 2023 को दोपहर के बाद अपराह्न काल में 4:05 से इसका सूतक लग जाएगा। यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम भाग को छोड़कर के संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा। जहां पर ग्रहण दिखाई देगा उन्हीं स्थानों पर ग्रहण से संबंधित सूतक का या नियमों का पालन करना चाहिए, दान पुण्य का पालन करना चाहिए। और यह महाग्रहण इसलिए है क्योंकि शरद पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा होती है और इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से पृथ्वी पर रोशनी बिखेरते हैं और ऐसे बड़े विशाल चंद्रमा को ग्रहण ग्रसित करेगा, राहु केतु ग्रसित करेंगे। शरद पूर्णिमा के चांद को इस बार राहु केतु ग्रसित करेंगे तो यह महाग्रहण होगा। लगभग कई वर्षों के बाद यह स्थिति निर्मित हो रही है और इस ग्रहण से मेष, वृषभ, कन्या, मकर इन चार राशि वालों को नेष्ट अशुभ फल की प्राप्ति होगी तथा सिंह, तुला, धनु एवं मीन को सामान्य फल मिलेगा। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ इनको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। अलग अलग राशिवार यदि बात करी जाए तो मेष को विश्वासघात हो सकता है, वृषभ को हानि हो सकती है, मिथुन को सफलता मिल सकती है, कर्क को लाभ मिल सकता है, सिंह को खर्च की अधिकता रहेगी, कन्या को मित्रों से कष्ट होगा, तुला को व्यर्थ तनाव होगा, वृश्चिक राशि वालों को मित्र मिलन होगा, धनु को भय रहेगा,
मकर राशि को हानि हो सकती है, कुंभ राशि को संतान सुख, मीन को सभी कार्यों में असफलता का योग यह ग्रहण दर्शाने जा रहा है। क्योंकि जब जब राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तो ऐसे समय में ग्रहण लगता है। इस बार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में यह महाग्रहण घटित होने जा रहा है। इस रात्रि में राहु और केतु दोनों मिलकर के चंद्रमा को ग्रसित करेंगे, तो यह महाखंडग्रास चंद्र ग्रहण इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि में होने जा रहा है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप इस महाग्रहण से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।